तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल टू द आई एफ एस यूट्यूब लाइव सेशन्स तो अभी कंटिन्यूस सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की गेट लाइफ साइंसेस की तो so, आज के सेशन में हम बात कर लेंगे गेट लाइफ साइंसेस 2019 के पेपर के माइक्रोबाइलॉजी सब्जेक्ट uh, के ओके तो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट अगेन ईच ऑफ़ द फाइव सब्जेक्ट पेपर्स कंजिस्ट ऑफ ट्वेंटी क्वेश्चन और आज जो सब्जेक्ट पेपर है उसमें से इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेपर्स तो इसी के बारे में हम बात कर लेंगे तो लेट अस स्टार्ट इन टाइम ओके तो गुड मॉर्निंग सोनिया गुड मॉर्निंग आरतु तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर करो तो so दैट हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में गुड मॉर्निंग विवेक सी एस आई आर ट्वेंटी ट्वेंटी का रिजल्ट अगेन आप एन टी ए की वेबसाइट चेक करते रहना अपडेट मिलते रहेंगे उसी पे ही सबसे पहले अपडेट उसी पे ही मिलते है एन टी ए सी एस आई आर की वेबसाइट पे तो आप कंटिन्यूसली चेक करते रहना ओके तो एज आई साइड के अभी हम माइक्रोबाइलॉजी पेपर जो है गेट लाइफ साइंसिस ट्वेंटी नाइनटीन का उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं तो ट्वेंटी क्वेश्चन है एंड मोस्टली माइक्रोबायोलॉजी में से तीन चार ऐसे टॉपिक है जो आपको हर बार करने ही होते हैं तो वो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से छोटे से टॉपिक्स हैं जो माइक्रोबायोलॉजी पीपल के लिए इम्पॉर्टेंट है गुड मॉर्निंग हेली हेली ओके तो लेट अस स्टार्ट तो अगेन फर्स्ट क्वेश्चन जो है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज़ द मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स ओके तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है विच आर सम आर प्रोकैरियोटिक स्पेसिफिक, सम आर स्पेसिफिक एंड सम आर वाइड स्पेक्ट्रम जो दोनों प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स में काम आता है तो दोनों ये जो भी सारे लिस्ट होगी कि सम माइट एक्चुअली वी कैन से टारगेट द प्रोटीन सिंथेसिस सम माइट टारगेट द रेप्लीकेशन सम माइट इवन टारगेट द ट्रांसक्रिप्शन ओके तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए तो अगेन दिस फर्स्ट क्वेश्चन डील्स विद डेट ओनली क्लोरम एंड टेट्रासाइक्लिन आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स विच इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ बाय टारगेटिंग ओके सो यहाँ पे क्लोरम फेनिकोल टेट्रा साइक्लिन आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ठीक है विच इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ बाय टारगेटिंग क्या हो सकता है इसका आंसर कोई बता सकता है यस yes? क्या हो सकता है इसका आंसर सेल वॉल सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए सिंथेसिस या डीएनए सिंथेसिस करेक्ट सोनिया प्रोटीन सिंथेसिस इज करेक्ट तो क्लोरम फेनिकॉल जो है वो फिफ्टी एस सब यूनिट से बाइंड करेगा एंड प्रोटीन सिंथेसिस में या प्रोटीन ट्रांसलेशन में वो हिंडर करेगा करेक्ट नीतिन यस हेली करेक्ट सो क्लोरेम फेनिकॉल है फिफ्टी एस सब यूनिट से बाइंड करेगा टेट्रा है वो थर्टी एस सब यूनिट से बाइंड करेगा एंड वो स्टार्टिंग में ही एमिनोसाइल टी आर एन ए को आने से ही रोकेगा ओके तो यस करेक्ट एवरी वन करेक्ट रोज तयली करेक्ट फाइन सो ये आपको पर्टिकुलरली पता होना ही चाहिए कि कौन कौन से पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के उसके रिस्पेक्टिव मेकेनिजम ऑफ एक्शन क्या होंगे ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन मेथड्स इज यूज्ड इन प्रिजर्विंग फूड फ्रॉम स्पॉइलेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ंग रेडियशन इज यूज इन प्रिजर्विंग फूड फ्रॉमलेज बायो ऑर्गेनिजम्स क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि कौन सा पर्टिकुलर रेडिएशन होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा या आ, उनके पास माइक्रोसाइडल इफेक्ट होगी तो इसमें से क्या आ सकता है रेडियोवेवस होगा माइक्रोवेवस होगा नॉन आयोनाइिंग होगा या आयोनाइिंग रेडिएशन होगा क्या होगा इसका आंसर कैन एनी वन टेल अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है ये ऑब्वियसली रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स नहीं होंगे उनकी एनर्जी ही बहुत कम है दे हैव द ग्रेटेस्ट वेव बहुत ही लार्ज वेव होती है तो उनकी एनर्जी बहुत कम होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी नहीं होंगे बट आंसर इज एक्चुअली द आयोनाइजिंग रेडिएशन ओके जैसे कि गामा रेज हो गए गामा रेज या फिर एक्स रेज हो गए दे हैव माइक्रोवी इफेक्ट नो सुनाक्षी बी नहीं होगा माइक्रोवेव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करते हैं आंसर इज आयोनाइजिंग रेडिएशन आयोनाइजिंग रेडिएशन होगा ओके यस करेक्ट हेली आरतू आयोनाइजिंग इज करेक्ट गामा रेज एंड रेज जो है दे आर वाइडली यूज एज द माइक्रोवे रेडिएशन ओके नेक्स्ट ये भी अगेन हार्डकोर uh, माइक्रोबायोलॉजी से है तो ये तो आपको आना ही चाहिए विच पार्ट ऑफ द लाइपोपोलीसेक्राइड हैज़ टॉक्सिक प्रॉपर्टीज दैट मेक सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन अ पोटेंशियली सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम तो कुछ लाइपोपोलीसेक्राइड जो है तीन लेयर का बना हुआ होता है जो आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है तो ये जो तीन लेयर का लाइपोपोलीड है उसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है कि जो एक्चुअली टॉक्सिक होता है जिसको हम एंडोटॉक्सिन बोलते हैं एंड वो टॉक्सिक एक्चुअली ह्यूमंस में या जो भी उसका होस्ट है उसमें वो पर्टिकुलरली जनरेट इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है अब मान लो कि कभी कभी टॉक्सिक शॉक की वजह से अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वो पर्टिकुलर पार्ट रहेगा लाइपोपोलीग्राइड का तो टॉक्सिक शॉक की वजह से इवन uh, डेथ भी हो सकती है क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो कौन सा होगा इसमें आप देख सकते हो का जो लेयर है आउटर लेन में वो तीन जो पर्टिकुलर लेयर है वो एक्चुअली तीन पार्ट में डिवाइडेड है आउटर कोर इनर कोर एंड लिपिड है तो इसमें से लिपिड ए जो पार्ट है दैट इज एक्चुअली द मेन पार्ट ऑफ मेन पार्ट ऑफ द लाइपो पार्ट ऑफ द लाइपोपोलीसेड विच हैज द टॉक्सिक प्रॉपर्टी ठीक है लिपिड ए है उसमें प्रॉपर्टी है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करवाए बट अगेन अगर उसका बहुत ही ज्यादा अमाउंट एंटर हो जाएगा सिस्टम में या होस्ट में या कोई भी बॉडी में एज अ फॉरन पार्टिकल तो वो लिपिड ए जो है दैट विल एक्चुअली कॉज शॉक एंड समटाइम्स डेथ ऑल्सो इन सीरियस कंडीशन तो आंसर इज बी लिपिड ए इज द आंसर ओके नेक्स्ट ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं माइक्रोव्स मेक अप अबाउट डैश ऑफ अर्थ लिविंग मटीरियल बाय वेट तो आंसर इज टू थर्ड तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं डायरेक्टली आपको जस्ट छोटे थो छोटे जो फैक्ट ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन वो आपको याद रखना है तो so, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा था माइक्रोस मेकअप अबाउट टू थर्ड ऑफ द अर्थ लिविंग मटीरियल बाय वेट ओके नेक्स्ट अगेन कोई इसका आंसर बता पाएगा द हाईली कंटेजियस वायरल वायरल डिजीज मिजल्स इज कॉज बाय क्या होगा मीजल्स वायरस में कौन से टाइप का जेनेटिक मटेरियल होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस व्हाट विल बी द आंसर हियर यस कैन एनीवन टेल क्या होगा तो so, जैसे मैंने एक टॉपिक बोला था एंड दैट वाज के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आपको पता ही होने चाहिए सेकंड थिंग इज आपको पर्टिकुलर जो कुछ ऑर्गेनिजम्स है सॉरी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में आपको पता होने चाहिए उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए करेक्ट रोज सी ऑप्शन इज करेक्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस इज द आंसर यस करेक्ट आरतू सी इज करेक्ट डी नहीं आएगा सोनिया जर सिंगल स्टैंडर्ड आयरन वायरस वो कंजिस्ट करता है एंड इट इज वन ऑफ द वायरल फ्रॉम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिल सेक्ट पेनीसिल सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट यूजनरी फेज में पाए जाते हैं प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज ओके ऑफ द पर्टिकुलर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके स्टेशनरी फेज में यूजली बनता है तो यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो पेनिसलिन है स्टेशनरी फेज उसका एक पार्ट होता है नॉन एज इडियो फेज या आइडियो फेज ओके इडियो फेज या आइडियो फेज लॉन्ग फेज नहीं आएगा इडियो फेज या आइडियो फेज होगा ठीक है वैसे ही प्राइमरी मेटाबोलाइट अगर हमें ऑप्टेन करने हैं तो वो हम पर्टिकुलर लॉग फेज के ट्रोपो फेज में हम ऑप्टेन कर सकते हैं वेर इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर हमने हमें आइसोलेट करने हैं तो हम स्टेशनरी फेज के ईडियो फेज में हम उसको आइसोलेट या कर सकते हैं क्योंकि वहां पे ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है ठीक है बी इज द आंसर नेक्स्ट अगेन ये डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछा है डिक टेस्ट इज यूज टू असेस दिलिटी

लेग्यूम प्लांट्स टू सिंथेसाइज एमिनो एसिड तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है नाइट्रोजन फिक्सेशन की कि कौन सा पर्टिकुलर बैक्टीरिया है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है आंसर हियर so, क्या होगा ध्यान से पढ़ो सिम्बायोटिक लिखा है और नाइट्रोजन फिक्सेशन ये दो चीजें है जो लेग्यूम्स के काम आता है एंड एमिनो एसिड मतलब टू सिंथेसाइज एमिनो एसिड्स तो क्या आएगा ओके नितिन इज सेइंग सी रितु रिपसाई सेइंग बी अरुण सी रोज सी करेक्ट रिया सी बीटीएस फैन सी अच्छा आप बीटीएस के फैन हो ओके सी सी यस इज करेक्ट राइजोबियम क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली एजोटो इज ऑल्सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बट वो फ्री लिविंग है वो फ्रीलिंग है वो सिंबायोटिक सिंबायोसिस नहीं करता है तो राइजोबियम इज द आंसर राइजोबियम इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ओके नेक्स्ट अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन यहां पे है व्हाट इज द एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन तो आप देख सकते हो विद द वाटर विल एक्चुअली गेट

ग्लिसरॉल मतलब उनके जो कंपोनेंट्स है दैट इज ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स उसमें वो कन्वर्ट करवा देगा ओके करेक्ट ओके सो अगेन एक ये एक बेसिक क्वेश्चन भी पूछते हैं एंड दैट इज ऑन द बेस्ट ऑफ द जनरेशन टाइम ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं अब बैक्टीरियल कल्चर कंटेन्स 500 हंड्रेड तो इनिशियल उसका जो ले, लेवल था वो था मान लो वो था 500 हंड्रेड ओके लेवल नहीं सॉरी उसका जो नंबर था वो फाइव हंड्रेड ऑर्गेनिजम्स इन द एक्सपोनशियल ग्रोथ फेज एट एट ए एम इन द मॉर्निंग इफ यू कंसिडर अ जनरेशन टाइम ऑफ ट्वेंटी मिनट्स द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर एम एल आफ्टर थ्री अवर्स मतलब कि ग्यारह बजे इलेवन ए एम इन द मॉर्निंग विल बी तो आफ्टर थ्री आवर्स लिखा है एंड ट्वेंटी मिनट्स इज विल जनरे और वी कैन से वन जनरेक्चुअली एक ट्वेंटी मिनट्स तो यहाँ पे ट्वेंटी मिनट्स का एक जनरेशन है तो तीन घंटे बाद कितने हो जाएंगे अगर इनिशियली फाइव हंड्रेड है तो तो यहाँ पे जनरेशन की अगर हम बात करें तो जनरेशन नंबर की अगर हम बात करें तो जनरेशन नंबर कितने रहेंगे तो आप देख सकते हो अगर ट्वेंटी मिनट विल कंस्टीट्यूट वन जनरेशन तो एक घंटे में तीन जनरेशन होंगे तो थ्री आवर्स में कितने जनरेशन होंगे नाइन जनरेशन होंगे करेक्ट नाइन जनरेशन होंगे तीन तीन अवर्स में टोटल नाइन जनरेशन पास हो जाएंगे ओके okay? तो so, ये हुआ अभी हम देखते हैं कि टोटल एन एट द टाइम ऑफ टी विल बी एन जीरो इंटू टू रेस टू एन ओके दिस इज द इनिशियल नंबर दैट इज फाइव हंड्रेड ऑर्गेनिजम्स पर एम एल जो भी फाइव हंड्रेड ऑर्गेनिजम्स पर एम एंड हर एक का अगर ट्वेंटी मिनट्स है और हमें पता है कि ये जन हमें पता है कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हमें यूज करना है तो व्हाट विल बी द आंसर हियर 500 हंड्रेड इंटू टू रेस टू नाइन टू रेस टू नाइन विल बी 512 हंड्रेड एंड ट्वेल्व तो फाइव हंड्रेड इं टू तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आंसर विल बी अराउंड 25 फाइव टू लैख सॉरी आंसर विल बी अराउंड टू लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ओके आंसर विल बी अराउंड टू लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड तो आप ये कैलकुलेट करो फाइव हंड्रेड इंटू फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा कि तीन घंटे बाद हाउ मेनी ऑर्गेनिजन्स विल बी प्रेजेंट पर एम एल ओके तो ये सिंपल कैलकुलेशन है ज्यादा कुछ इसमें है नहीं नेक्स्ट ओके okay, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया इज कम्पिटेटिवली इनहिबिटेड बाई सल्फोन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल कंपोनेंट्स इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनमाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस तो अगेन द आंसर इज पैरा अमिनो बेंजोइक एसिड ठीक है तो so यहाँ पे ये अगेन डायरेक्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है गुड मॉर्निंग कविता ओके नेक्स्ट ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है चलो ये भी सॉल्व करो आप ट्राई करो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्युलर स्ट्रक्चर्स आर एबसेंट इन यूकेर एंड आर प्रेजेंट इन एटलीस्ट इन सम समोकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होंगे बट प्रोकेरोड्स या कुछ प्रोकेरॉड्स में वो प्रेजेंट होंगे तो इसमें से कौन कौन से पर्टिकुलर सेल्युलर स्ट्रक्चर्स होंगे या कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होंगे वॉट विल बी द आंसर ईयर यस yes, टेल क्या होगा रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ठीक है राइबोसोम्स या फिर न्यूक्लियोइड या फिर इंटरनल मेम्ब्रेन या फिर ओके okay? क्या होगा इसका आंसर कि इन पांचों में से कौन सा पर्टिकुलर सेल्युलर स्ट्रक्चर है कि जो यूकेरियोट में प्रेजेंट नहीं है बट हाँ कुछ प्रोकेरियोट्स में प्रेजेंट हो सकता है वॉट विल बी द आंसर ईयर राइट क्या हो सकता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या प्रेजेंट है यूकेरियोट्स में क्या वो प्रोकेरियोड्स में प्रेजेंट है तो हाँ वो प्रोकेरियोड में भी प्रेजेंट है में भी प्रेजेंट है वॉट अबाउट राइबोजोम्स राइबोजो ऑब्वियसली दोनों में प्रेजेंट है व्हाट अबाउट न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड यूकेरियोट में एबसेंट है बट प्रोकेरियोड्स में प्रेजेंट है करेक्ट न्यूक्लियोइड क्या है यूकेरियोट में एबसेंट है बट प्रोकेरियोट में प्रेजेंट है तो देयरफॉर न्यूक्लियोइड इज वन ऑफ द ऑप्शंस इंटरनल मेमर दोनों में प्रेजेंट है एंड व्हाट अबाउट पीलाई पिलाई जो है वो अगेन यूकेर में प्रेजेंट नहीं है प्रोकेर में प्रेजेंट है सो द आंसर विल बी व्हाट थ्री एंड फाइव ओके आंसर विल बी ऑप्शन ए दैट इज थ्री एंड फाइव नेक्स्ट ग्रेन्यूल्स आर इंक्लूजन बॉडीज फाउंड इन बैक्टीरिया

एंड दे आर कम्पोज ऑफ वॉट दे आर कंपोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स तो वो अगर एग्रीगेट है मतलब कि वो सोल्यूबल भी नहीं है चलो इतना तो मैंने इतने सारे हिंट तो दे दिए तो अभी आपको पता चल ही गया होगा क्या होगा आंसर ओके देख भी लेते हैं ग्रेन्यूल्स आर ओके फर्स्ट क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट ग्रेन्यूल्स कैन बी स्टोरेज वे, वेसल्स फॉर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स डेट इज करेक्ट हमें क्या देखना है ट्रू देखना है टर्म ग्रेन्यूल सब्सटेंस फॉर अ वेराइटी काम करेगा तो ऑब्वियसली वो एज अ सप्लाई सब्सटेंस दी गई सप्लीमेंट्री वो वर्क करेगा ही ग्रेन्यूल्ड इन साइटोप्लाजम नहीं वो डिजोल्व नहीं होते हैं दिस इज रॉन्ग एंड ग्रेन्यूल्स आर मैमब्रेन एनक्लोज स्ट्रक्चर नहीं होते वो सिर्फ एग्रीगेट होते दे आर नॉट एनक्लोज बाई एनी मेम्ब्रेन ठीक है तो थ्री एंड फोर आर रॉन्ग ट्रू कौन सा है वन एंड टू तो देर फोर ऑप्शन

मैच द कल्चर मीडिया टू देयर यूज कॉम्प्लेक्स मीडिया क्या है सिलेक्टिव मीडिया क्या है डिफरेंशियल मीडिया क्या है एंड रिच मीडिया क्या है ये अगर आप पता लगा लो इनफैक्ट आप सिलेक्टिव एंड डिफ्रेंशल मीडिया कि जहाँ पे कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं अगर ये दो चीज़ें भी अगर आप पता लगा लो तो भी आपको पता चल जाएगा वॉट विल बी द आंसर हिर कॉम्प्लेक्स मीडिया क्या है तो कॉम्प्लेक्स इज द केमिकली अनडिफाइंड मीडिया फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स में ऐसे कुछ डिफाइंड कुछ केमिकली नहीं है वॉट इज सिलेक्टिव मीडिया सिलेक्टिव मीडिया इज एक्चुअली फॉर आइडेंटिफाइंग सर्टन बैक्टीरिया फ्रॉम मिक्सड कल्चर वेर इज डिफरेंशियल मीडिया क्या है डिस्टिंग वन बैक्टीरिया फ्रॉम अनादर ओके तो सिलेक्टिव मीडिया क्या होगा आइडेंटिफाइंग सर्टन बैक्टीरिया फ्रॉम मिक्सड कल्चर डिफरेंशियल मीडिया क्या है डिस्टिंग वन बैक्टीरिया फ्रॉम दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया वेर इज एंडरिच मीडिया इज कल्टिवेटिंग फास्टेडियस बैक्टीरिया तो इससे आप पता लगा पाओगे कि कौन सा होगा आंसर वन का होगा क्यू टू का पी थ्री का S एंड फोर का आर सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके वन का पी सॉरी वन का क्यू टू का पी थ्री का S एंड फोर का आर बी इज द करेक्ट ऑप्शन तो आप देख सकते हो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन पूछा है बट स्टिल ये अगेन दो मार्क्स कंजिस्ट uh, करता है तो आपके लिए ये इजी स्कोरिंग दो मार्क्स है ओके okay, नेक्स्ट देखते हैं अमोंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक लिस्टेड बिलो सिलेक्ट दोस्ट दैट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आर के बैक्टीरिया तो अगेन चारों ना पता हो बट कुछ एक दो भी आपको पता हो तो स्टिल यू कैन चूज द और डिटरमाइन द करेक्ट ऑप्शन तो पेप्टेडोग्लाइकन कंटेनिंग म्यूरामिक एसिड एंड डी एमिनो एसिड आर प्रेजेंट इन सेलवॉल क्या ये सही है फर्स्ट वन इज ट्रू और नॉट बोलो दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं लॉन्ग चेन ब्रांच अल्कोहल्स बाउंड टू ग्लिस बाईर लिंकेजेस आर फाउंड इन द लिपिड ऑफ साइटोप्लाजमिक मेम्रेन हाँ ये सही है फाइटनॉल्स जो है वो सही है ठीक है वॉट अबाउट थर्ड फर्स्ट एमिनो एसिड टू इनिशिएट न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन इज एन फॉर्माइल मिथ्योनिन ये नहीं सही नहीं है ये बात हो रही है आरके बैक्टीरिया की बट थर्ड जो है वो उसमें एन फॉर्माइल मिथ्योनिन नहीं होता है सिर्फ मिथ्योनिन होता है ओके तो थर्ड वन इज नॉट अ ट्रू वॉट अबाउट फोर्थ ट्रांसलेशन प्रोसेस इज सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ डिप्थेरिया टॉक्सिन दैट इज ट्रू डिप्थेरिया टॉक्सिन जो है वो आरके बैक्टीरिया एज वेल एज पर्टिकुलर uh, यू दोनों को वो वी कैन से हिंडर करेगा दोनों के ट्रांसलेशन प्रोसेस को डिफेरियट टॉक्सिन हिंडर करेगा या इनहिबिट कर देगा ओके तो डी इज फोर इज ट्रू वॉट अबाउट थ्री अगर फोर ट्रू है तो हम ऑटोमेटिकली ये एलिमिनेट कर सकते हैं फोर तो हमें पता चल गया ट्रू है हमें सेकेंड भी पता चल गया कि ट्रू okay, है तो हम ऑटोमेटिकली फोर सेकेंड जो है वॉट अबाउट थर्ड वन थर्ड वन हमें पता है कि थर्ड वन इज थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एन फोरमल मिथ्योनिन नहीं होगा आर के बैक्टीरिया में तो दिस इज रिमूव एंड वॉट अबाउट फर्स्ट वन एफ्टाइडोक लाइकन कंटेमिंग म्यूरामिक एसिड एंड डी एम एनो आर प्रेजेंट इन सेल वॉल नो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट द करेक्ट इज सेकेंड एंड फोर्थ ओके सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट दैट मीन्स द ऑप्शन सी इज करेक्ट तो ऐसे ही आप अप्रोच कर सकते हो

ऐसे ही कन्फ्यूजिंग भी नहीं दिया है कहने का मतलब यह है इसलिए ये ईजी है कि ये कन्फ्यूजिंग भी नहीं है यहां पर क्या होगा कंजुगेशन ऑब्वियसली ट्रांसडक्शन ऑब्वियसली बाइनरी फ्यूजन होगा ही नहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी सही है ट्रांसलेशन सिंथेसिस नहीं होगा या फिर ना ही ट्रांसवर्जन होगा राइट तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो सही है कंजुगेशन ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन डी इज करेक्ट तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये जो सारे हमारे पास ऑप्शन दिए गए थे ये सारे टर्म्स ऐसे कन्फ्यूजिंग भी नहीं थे कि वी कैन से कि अच्छा हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए या ओके okay, बहुत ही सिमिलर टर्म्स है ऐसा भी नहीं है कंजुगेशन ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज द आंसर जो हॉरिजोंटल जीन ट्रांसफर के लिए है बाइनरी फ्यूजन ट्रांसलेशन या ट्रांसफर्शन नहीं होगा ओके okay? ओके okay, ये क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी से है स्टिल आप ट्राई करो मैच द क्लास ऑफ द एंटीबॉडीज टू अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन और फंक्शन तो जो एंटीबॉडीज है उसके अप्रोप्रिएट फंक्शन क्या होगा तो ट्राई करो आई जी एब्बियसली म्यूकोजल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है आई जी एके वॉट अबाउट आई जी जी इम्यूनिटी टू पैरासाइटिक फंक्शन नहीं मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन द ब्लड

टू का आर ओके टू का आर थ्री का एस एंड फोर का क्यू तो सी ऑप्शन इज करेक्ट राइट आई जी ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द मी इम्यूनिटी इम्युनिटी आई जी जी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वी कैन से आई जी जी इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन द ब्लड आई जी डी इज फाउंड ऑन द बी सेल मेमरे अलॉन्ग विथ आई जी एम एंड आई जी ई फॉर द इम्यूनिटी टू पैरासाइटिक इन्फेक्शन ये करेक्ट रिया करेक्ट एवरी वन कविता सुमन टी एस फेन रोज करेक्ट साइली आर्तू मयूरा करेक्ट ओके पे ऐसा तीसरा टॉपिक है जो आपको पता ही होना चाहिए बीइंग माइक्रोबायलॉजी स्टूडेंट इज दैट पैथोजेंटिजेस तो क्या होगा एजेंट ठीक है तो रोमेटिक हार्ट डिजीज क्या होगा सिफिलिस क्या होगा जेनेटल वर्ड्स क्या होगा एंड ओरल थ्रश क्या होगा इसमें से दो तीन भी अगर आपको पता चल गया जैसे ओरल थ्रश का बहुत ही कॉमन है कैंडिडा जेनेटल वर्ड्स का भी पता है जेनेटल वर्ड्स से भी ज्यादा सिफिलिस का पता है दैट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जेनेटल वर्ड्स का आएगा ट्रिपोनीमा पैलिडम एंड फाइनली रूमेटिक हार्ट डिजीज का होगा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस तो वन का क्यू ओके okay, ये एक ही है वन का क्यू टू का ओके okay, टू का एस जस्ट मिनट वन इज क्यू टू इज एस थ्री इज आर ओके सॉरी सिफिलिस इज ट्रिपोनिमा सिफिलिस इज ट्रिपोनिमा एलिडम वेरस जेनेटल वर्ड इज ोमा वायरस करेक्ट सॉरी फॉर द कंफ्यूजन जेनेटल वर्ड इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सिफिलज इजोनिमाइट बी इज करेक्ट वन ओके नेक्स्ट सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे वर्ड बैक्टीरिया दिया गया है एंड ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया उसका आ, पर्टिकुलर डायमीटर एंड ये सारी चीजें बट अगेन ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जिसको हम सिंपल मैथमेटिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं ओके तो ये हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे कंसीडर अ स्फेरिकल बैक्टीरियल सेल विद डायमीटर टू माइक्रोमीटर एंड अ यूकैरियोटिक सेल ऑफ स्फेरिकल शेप विद डायमीटर ट्वेंटी माइक्रोमीटर ठीक है बैक्टीरियल सेल जो है उसका डायमीटर टू माइक्रोमीटर है मतलब कि उसका रेडियस मैं r भी लिख रहा हूं रेडियस फॉर बैक्टीरिया दैट विल बी 1 माइक्रोमीटर सिमिलरली यूकैरियोटिक सेल है सिमिलरलीटिक सेल है उस, वो स्फियरकल शेप है और उसका डायमी क्या है टेन सॉरी ट्वेंटी माइक्रोमीटर दैट मीन्स की उसका रेडियस क्या होगा टेन माइक्रोमीटर ओके टेन माइक्रोमीटर विल बी द रेडियस ऑफ द यूकेरटिक स्पीयरिकल सेल द सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द बैक्टीरियल सेल सेल क्या होगा यही यहाँ पे पूछा है राइट न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है ये वॉल्यूम रेशियो ऑफ बैक्टीरिया फिर हमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हमें यूकैरियोट का ढूंढना है एंड फाइनली दोनों का हमें रेशियो लेना है ओके या वी कैन से दोनों का हमें कंपेयर करना है कि ये कितने टाइम्स ज्यादा है या कितने टाइम्स कम है यूकैरियोटिक वाला तो हम पहले बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया जैसे मैंने बोला ये बेसिक जनरल क्वेश्चन है जनरल एप्टीट्यूड में ही पूछा जाता है उसके कॉन्टेक्स्ट में ही हम यहाँ पे देखेंगे ये तो सिर्फ बैक्टीरिया वर्ड यहाँ पे यूज किया है ठीक है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है फोर पाई आर एज वॉल्यूम का फॉर्मूला है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ओके अब यहाँ पे हमारा फायदा ये है यह हमारा काम इजी इसलिए हो गया क्योंकि आर विल बी वन माइक्रोमीटर अगर बैक्टीरिया के केस में बोले तो सरफेस एरिया ऑफ बैक्टीरिया ऑफ बैक्टीरिया मैं ऐसे लिख रहा हूँ सरफेस एरिया ऑफ बैक्टीरिया विल बी फोर पाई आर क्या है one micrometer है तो हमें पता है कि भाई फोर पाई इज द सरफेस एरिया ऑफ बैक्टीरिया वॉट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बैक्टीरिया वॉल्यूम विल बी वॉल्यूमिलोर बाई थ्री पाई आर क्यूब आर अगेन वन है

बैक्टीरिया का वो होगा थ्री ठीक है ओके थ्री होगा वेर इज सेम चीज हम अप्लाई करेंगे सेम अप्रोच हम अप्लाई करेंगे यूकेराटिक सेल में तो हम यूकेरटिक सेल का देखते हैं ई सरफेस एरिया ऑफ यूकेरटिक सेल विल बी फोर पाई आर स्क्वायर यहां पे आर क्या है दैट इज टेन तो आर स्क्वायर विल बी फोर पाई आर स्क्वायर दैट इज हंड्रेड ओके एंड व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ यूकैरियोटिक सेल तो फोर बाई थ्री क्यूब क्या है टेन इंटू टेन इंटू टेन दैट इज थाउजेंड ओके अब हम उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लेते हैं यूकैरियोट्स का तो क्या होगा फोर पाई हंड्रेड अपॉन फोर बाई थ्री पाई थाउजेंड व्हाट इट विल बी थ्री बाय टेन और वी कैन से पॉइंट थ्री करेक्ट आप इसको सॉल्व करो थ्री जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में एक जीरो तो है ही तो थ्री बाय टेन एंड दैट इज पॉइंट थ्री तो मतलब कि बैक्टीरिया का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो तीन बता रहा है वेर यूकेरस का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो पॉइंट थ्री बता रहा है तो दैट मीन्स द सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज टेन टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द दूकेराटिक सेल अगर ये बात समझ आई हो सुमन राठौर वन इज टू ट्वेल्व कैसे हो गया थ्री कैसे हो गया आर टू टेन टाइम्स विल बी द आंसर आप वापस देखो हमारे पास रेडियस हमें पता चल गया क्योंकि डायमीटर दिया गया है हमें बैक्टीरिया का हमने निकाल लिया एंड सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो वॉज थ्री हमने यूकेरियोड्स का भी निकाल लिया यूकेरियस का निकालने के बाद हमें पता चला दैट इज थ्री बाय टेन एंड दैट इज पॉइंट थ्री तो सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ बैक्टीरिया विल बी थ्री राइट मतलब right? जैसे मैंने बोला कि पे सिर्फ लिखा हुआ है बैक्टीरिया तो मतलब ये नहीं कि माइक्रोबायलोजी का क्वेश्चन हो जाएगा एक जनरल अप्रोच से ही हमें उसको देखना है ठीक है टेन टाइम्स ओके नेक्स्ट अगेन ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है ज्यादा कुछ इसमें है नहीं सिर्फ उसको यहाँ पे ओके आर टू ठीक है राइट right? बैक्टीरिया वाला सिर्फ थ्री होगा बट यू वाला पॉइंट थ्री होता है और दोनों के बीच का हमें देखना है करेक्ट राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन वेन ग्रुपिंग बैक्टीरिया यूजिंग न्यूमरिकल टेक्सोनोमी अप्रोच मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइंड फॉर ईच ट्रेन

िटी बोलते हैं बट यहाँ पे सेवेंटी टू सेम फोर्टी फोर डिफरेंट है कोई एक पर्टिकुलर दो बैक्टीरियल स्ट्रेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर करने में तो व्हाट विल बी द परसेंट सिारिटी बिटवीन द टू स्ट्रेन बेसिक यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन है परसेंटेज का तो हमें टोटल कैरेक्टरिस्टिक इसके कितने हो जाएंगे सेवेंटी टू प्लस फोर्टी फोर दैट विल बी हंड्रेड एंड सिक्सटीन कैरेक्टरिस्टिक्स ओके हंड्रेड एंड सिक्सटीन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मान लो कि सभी के सभी 116 सौ सोलह कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सेम होते तो 100 परसेंट हम सिमिलैरिटी बोलते हैं बट यहाँ पे सेम कितने हैं आउट ऑफ़ 116? 72 ही सेम है तो व्हाट विल बी द परसेंट सिरिटी सिंपली सेवेंटी टू ये अगर सॉल्व करोगे आपको परसेंट मिल जाएंगी ओके सेवेंटी टू इंटू हंड्रेड हंड्रेड एंड तो अगेन ये सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी अराउंड ओके सॉल्व करते हैं इसको दिस विल बी थर्टी थर्टी फाइव थर्टी सिक्स ये हुआ थर्टी सिक्स ये हो गया फिफ्टी एट ये फिफ्टी एट थर्टी सिक्स फाइव फिफ्टी एट दैट इज अराउंड वी कैन से ओके

यस yes, uh, अविनाश सर आर आरतू करेक्ट अराउंड सिक्सटी टू पॉइंट फाइव ऐसा ही कुछ आंसर उसका आएगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगेन टर्म्स यूज किए हैं ये सारी चीजें टेक्सोनॉमी पर्सन सिमिलरिटी बट हमें सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स से ही हमें अप्रोच लेना है ओके तो यहाँ पे हमने 2019 के गेट लाइफ साइंसिस के माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए सो आई होप आपको सभी आंसर्स पता चल गए होंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं कैसे उसके अप्रोच हम लेते हैं तो जैसे मैंने बोला दो तीन टॉपिक्स आपको प्योरली करने ही होंगे एज फार एज द माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट इज कंसर्न इन द गेट लाइफ साइंस पेपर ओके तो थैंक यू फॉर लिसनिंग थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सी यू अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू